गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास में पार्ट 3 बस की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बस की यात्रा है वो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग रचना है। हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित एक व्यंग रचना है। व्यंग जानते हो आप बेटा किसे कहते हैं? टोंट कसना। क्या? टोंट कसना। तो इसमें उन्होंने यातायात की जो बुरी व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है, उस पर व्यंग किया है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ में किस प्रकार से बस की या बस के बारे में उन्होंने टोंट कसा है। तो देखिए, पांच मित्रों ने तय किया कि हम शाम वाली बस से, यानी 4 बजे वाली बस से चलेंगे पन्ना से। इसी पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, 1 घंटे के बाद में मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है, सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। उन्हें इस बस से क्यों जाना था? कि उनमें से जो 2 लोग थे उनको सुबह काम पर हाजिर होना था, काम पर जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता उन्होंने जरूरी समझा और अपना लिया। लोगों ने सलाह दी कि जो समझदार आदमी होते हैं वो शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में? तो उन्होंने सोचा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो वो लोग बोले, नहीं, बस डाकिन है। बस कैसी है? डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई, श्रद्धा के भाव भर आए। खूब वयोवृद्धि, खूब बूढ़ी बस थी, सदियों के अनुभव उसके निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे क्या होगा, कष्ट होगा। बहुत पुरानी बस थी यह, बस पूजा योग्य थी, यह बस सफर करने योग्य नहीं थी, पूजा करने योग्य थी। उस बस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी का जो हिस्सेदार था वो भी उसी बस से जा रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है या नहीं चलती है? तो वो बोला, हिस्सेदार भाई, बस क्यों नहीं चलती है, बस तो चलती है, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना है, अपने आप चलती है। हाँ जी, पर कैसे चलेगी? तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चलती है? बोला, ये तो इतनी बूढ़ी बस है, इतनी पुरानी बस है, ये अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे, आगे पीछे देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, एक डॉक्टर मित्र बस में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, इसने बहुत सारे अनुभव देखे हैं, ये बहुत अनुभवी बस है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी। हम बैठ गए। जो उन्हें छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, जैसे कि मेहमान आता है 2-4 दिन के लिए फिर चला जाता है, तो वो भी उन दोस्तों को इस प्रकार से विदा कर रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, अब तो तुम्हारा आना जाना नहीं लगा रहेगा, क्योंकि ये बस कैसी है, बहुत ही खटारा है, इससे तुम घर तक नहीं पहुंच पाओगे। राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कोई कारण चाहिए, कूच करने के लिए जाने के लिए एक कारण चाहिए। इंजन सचमुच क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। इंजन क्या हुआ? स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो, करके आवाज करने लगी बस, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। कांच बहुत कम थे बस में, यानी सारे कांच बस के टूटे हुए थे। जो बचे हुए थे उनसे उन लोगों को क्या हटना था? दूर हटना था। तो वो लोग दूर खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चलने लगा तो ऐसा लगा कि सीट के नीचे ही इंजन रखा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उन्हें ऐसा लगा कि जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय बस जरूर जवान होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था।
पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता था कि सीट को छोड़ करके बॉडी आगे निकल जाएगी, कभी लगता था कि सीट को छोड़ करके बॉडी आगे निकल जाएगी। 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बेटा, इससे आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे बेटा। धन्यवाद।